नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिनांक 15 अक्टूबर 2021 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि होंडा सिटी कार क्रमांक OD02AK0666 में कुछ लोग ओडिशा से महासमुंद रायपुर बिलासपुर होते गौरेला की ओर अवैध रूप से गांजा लेकर आ रहे हैं, जिसकी सूचना से तत्काल पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल को अवगत कराया गया, जिसके बाद SP के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गौरेला अशोक वाडेगांवकर के मार्गदर्शन में थाना गौरेला प्रभारी युवराज तिवारी के नेतृत्व में टीम गठन कर तत्काल नाकेबंदी की गई। आरोपियों के द्वारा कार से पुलिस की नाकेबंदी को चकमा देते हुए आगे निकल भागे, जिनका पीछा करने पर आरोपी हड़बड़ाहट में कार को ज्योतिपुर चौक के पहले झाड़ियों में घुमा दिए, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया और तलाशी लेने पर कार के डिग्गी तथा बीच वाले सीट से 47 पैकेट गांजे का बरामद कर जब्त किया गया है और एक नग होंडा सिटी कार भी जब्त की गई है। आरोपियों से पूछताछ करने पर कांटा माल उड़ीसा से गांजा लेकर मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर में देने जाना बताए। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर लिया जा रहा है। 47 किलो गांजा गौरेला पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इसमें दो आरोपी प्रदीप भोई, ये बौद्ध जिला उड़ीसा का रहने वाला है, और वीरेंद्र प्रधान, ये भी बौद्ध जिला उड़ीसा का रहने वाला है। ये लोग एक होंडा सिटी गाड़ी में 47 किलो गांजा लेकर छतरपुर MP की तरफ जा रहे थे और इसकी सूचना हम लोग को मिली थी पहले, तो हमने नाकाबंदी की थी, जिसमें नाकाबंदी के दौरान इन लोग ज्योतिपुर चौक के पास में इन लोग की गाड़ी एक्सीडेंट हुई, तो वहाँ पर फिर इन लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है और पूछताछ पे पता चला था कि ये लोग MP छतरपुर इसकी सप्लाई करने के लिए लेके जा रहे थे। दोनों ही प्रकरणों में थाना प्रभारी युवराज तिवारी और थाना गौरेला के स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी टाइम न्यूज, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही।